बिहार के गोपालगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जिसके तीन पैर हैं और तीन हाथ। पहली बार में ये खबर सुनकर शायद लोगों को विश्वास न हुआ हो, लेकिन जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो चौंक गया। मामला बैकुंठपुर CHC का है, जहां मोहम्मद रहीम अली की 30 वर्षीय पत्नी रबीना खातून को डिलीवरी पेन हुआ, जिसके बाद उन्हें बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इस तीन पैर और तीन हाथों वाले बच्चे का जन्म हुआ। बैकुंठपुर CHC में ड्यूटी पर तैनात आफताब आलम ने कहा है कि ऐसे मामले 1 लाख में एक बार सामने आते हैं। ये रेयर कंजेनिटल डिफॉर्मिटी में है ये, और ये किसी भी कारण से हो सकता है। ये मैंने लाखों बच्चों में एक बच्चा इस तरह का मिलता है हमें, जिसमें जैसे कभी कभी आप देखते हैं ऑर्गेन एक जैसे उंगली अलग होता है, एक्स्ट्रा होता है, इसी तरह पैर भी ये इसको एक्स्ट्रा है। तीन पैर है इसको और चार पैर है ये, और NS जो है पैखाना का रास्ता जो है। बच्चा ठीक है, अभी बेहतर है और आगे के लिए हम लोग इसको तत्काल का इलाज यहाँ दे रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि इससे पहले परिजनों ने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ऐसी हालत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि जन्म के 2 घंटे बाद भी बच्चे को फीड नहीं कराया जा सका, जिसके चलते बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल स्थित SNCU में रेफर कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।